हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यूपी के बागपत ज़िले के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने ज़िले का नाम रोशन किया। नंबर एक, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये गोवा, जम्मू और कश्मीर के अलावा उड़ीसा और बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा ये बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के अलावा विधायक एवं सांसद भी रहे। सत्यपाल मलिक का जन्म बागपत जिले के हिसावदा गांव में हुआ था। नंबर दो, नीरा आर्य। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थीं। इन्हें नीरा नागनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। आपको बता दें कि इन दोनों के जीवन के ऊपर कई काव्य संग्रह और भजन लिखा गया है। ये बागपत जिले के खेखड़ा में जन्मी थी। नंबर तीन, नितिन तोमर। नितिन तोमर एक प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर हैं जो प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा टीम से खेलते हैं। ये सीजन 5 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे। इन्होंने 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप में भी खेला था। नितिन तोमर बागपत जिले के मलकपुर के निवासी हैं। नंबर चार, नेहा सिंह। नेहा सिंह, जिन्हें पवित्र पुनिया के नाम से भी जाना जाता है, एक एक्ट्रेस हैं। ये स्टार प्लस के लव यू जिंदगी में और बालवीर रिटर्न सीरियल में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा नेहा बिग बॉस सीजन 14 में भी नजर आ चुकी हैं। ये बागपत जिले के हिसावदा गाँव की रहने वाली हैं। नंबर पाँच, युविका चौधरी। युविका चौधरी एक फिल्म और टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं जिनका जन्म बागपत जिले के बड़ौत में हुआ था। इन्होंने ओम शांति ओम, समर तो बात पक्की जैसे फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा ये बिग बॉस सीजन 9 और नच बलिए सीजन 9 में भी भाग ले चुकी हैं। नंबर छः, रेणुका पवार। रेणुका पवार एक चर्चित सिंगर हैं जिन्होंने कई हरियाणवी और लोकगीत गाए हैं। इनके द्वारा गाए गए 52 गज का दामन, सुन सोनियों, ऊंची हवेली काफ़ी पॉपुलर हैं। ये बागपत जिले के खेकड़ा से बिलोंग करती हैं। नंबर सात, रिवॉल्वर दादी। यूपी की दो बुजुर्ग महिलाएं रिवॉल्वर दादी या शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका असली नाम चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर है। दोनों रिश्ते में जेठानी और देवरानी हैं। इनका ससुराल बागपत के जोहरी गाँव में है। आपको बता दें कि दोनों ने शूटिंग में कई मेडल जीते और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान से नवाजा भी गया। नंबर आठ, सीमा तोमर। सीमा तोमर एक भारतीय ट्रैप शूटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा आयोजित विश्व कप में कई मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हैं। सीमा तोमर प्रकाशी तोमर की बेटी हैं। वर्तमान में ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं। नंबर नौ, प्रवेश राणा। प्रवेश राणा एक टेलीविज़न एक्टर और मॉडल हैं। इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न से की। 2009 में इन्होंने बिग बॉस में भी भाग लिया था। प्रवेश राणा का जन्म बागपत जिले के बड़ौत में हुआ था। नंबर 10, सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं जो कि सांसद रहने के अलावा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर और गांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। बागपत जिले के बसौली में इनका जन्म हुआ था। नंबर 11, अंकुर धामा। अंकुर धामा भारत के ऐसे पहले ब्लाइंड एथलीट हैं जिसने पैरालंपिक्स में ट्रैक 11 कैटेगरी में भाग लिया। इन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2014 में एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल, 2012 मलेशियाई चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल, वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट चैंपियनशिप अमेरिका में दो गोल्ड मेडल, नेशनल पैरा चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जैसे पदक जीत चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंकुर धामा बागपत जिले के खेगड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नंबर 12, तेजपाल सिंह धामा। तेजपाल सिंह धामा एक पत्रकार, हिंदी के लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमारी विरासत इनकी प्रसिद्ध रचना है। खेकड़ा में जन्मे तेजपाल सिंह को कई साहित्यिक एवं सामाजिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 13, स्वामी कल्याण देव। स्वामी कल्याण देव एक सन्यासी थे जिन्होंने अपनी सन्यासी जीवन में 300 शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया, साथ ही कृषि केंद्रों, वृद्ध आश्रमों, चिकित्सालय आदि निर्माण कराकर समाज में अपनी उत्कृष्ट छाप छोड़ी। उनका जन्म बागपत जिले के उनके ननिहाल गांव कोताना में हुआ था।
भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नंबर 14, संदीप तोमर। संदीप तोमर एक पुरुष पहलवान हैं जो पुरुषों की 55 केजी कैटेगरी में भाग लेते हैं। इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड, कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप और ब्राजील कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये बागपत जिले के मलकपुर के निवासी हैं। नंबर 15, सुभाष वर्मा। सुभाष वर्मा एक चर्चित पहलवान रहे हैं जिनका जन्म बागपत जिले के मलकपुर में हुआ था। सुभाष ने कुश्ती में अपने दम पर अनेकों बार भारत मल, भारत केसरी, हिंद केसरी, भारत मल सम्राट का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा इन्होंने कई बार एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भी कई मेडल जीते। आपको बता दें कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित शौकेंद्र तोमर और यश भारती समेत कई अवार्ड से सम्मानित अंशु तोमर भी मलकपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। नंबर 16, डॉक्टर राजपाल सिंह। डॉक्टर राजपाल सिंह बागपत जिले के जौहरी राइफल क्लब के संस्थापक और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर और कोच हैं। यूपी के अलावा इन्होंने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में निशानेबाजों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। इस कार्य के लिए इन्हें वयोश्रेष्ठ समेत कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नंबर 17, राजीव तोमर। राजीव तोमर एक पहलवान हैं जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में पुरुषों की फ्री स्टाइल 120 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मलकपुर में जन्मे राजीव ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीता है। नंबर 18, श्रीकांत तेवतिया। श्रीकांत तेवतिया एक कबड्डी खिलाड़ी हैं जो बागपत जिले के फकरपुर गांव से हैं। ये प्रो कबड्डी में कई टीमों से खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। बता दें कि फकरपुर गांव से ही विजय कुमार भी एक उभरते हुए कबड्डी खिलाड़ी हैं। इनके अलावा कबड्डी खिलाड़ी सुनील कुमार भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। नंबर 19, नवाब कोकब हमीद। नवाब कोकब हमीद बागपत जिले के एक कद्दावर नेता थे जो कि सक्रिय रालोद नेता रहे थे। कोकब हमीद 1985 में पहली बार विधायक बने थे और कुल मिलाकर 5 बार विधायक रहे और 3 बार मंत्री भी बनाए गए। नंबर 20, सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। वर्तमान में ये विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। बागपत जिले के धैला गांव में इनका पैतृक निवास है। नंबर 21, कृष्णपाल मलिक। कृष्णपाल मलिक पश्चिमी यूपी की बड़ौद विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान में ये योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा ये बड़ौद से सभासद और नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। नंबर 22, सोमपाल शास्त्री। सोमपाल शास्त्री एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने आरएलडी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए थे। नंबर 23, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह एक जल संरक्षणवादी और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें मैग्सेसे अवार्ड और स्टॉक होम जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। ये बागपत जिले के दौला गांव से हैं। नंबर 24, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार एक क्रिकेटर हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। ये 2017 के रणजी ट्रॉफी में यूपी के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे। आईपीएल में इन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था। नंबर 25, इशिता राठी। इशिता राठी 2021 बैच की चयनित एक आईएएस हैं। इशिता राठी ने सिविल सेवा परीक्षा में 8वीं रैंक लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। इनका परिवार बागपत जिले के टिकरी कस्बे से बिलोंग करता है। इनके अलावा बड़ौद की रहने वाली महक जैन भी 17वीं रैंक लाकर बागपत जिले का नाम रोशन किया है।